नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। लगभग 4 या 5 दिन पहले यूपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जहां पे यूपीएससी 45 वैकेंसीज को रिलीज करता है, लेकिन इन सब वैकेंसीज को जो फिल करने का तरीका होता वो यूपीएससी का नॉर्मल प्रोसेस के तरह नहीं रहता, बल्कि इसको लैटरल एंट्री के तहत रिक्रूटमेंट किया जाता। अब जैसे ही ये नोटिफिकेशन पब्लिक डोमेन में आता है, जो अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो बढ़ चढ़कर इस प्रोसेस को क्रिटिसाइज करते हैं, और साथ में कुछ वैसे भी पॉलिटिकल पार्टीज इस एडवर्टीजमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं जिनका सरकार के फॉर्मेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब जैसे ही ओपोजिशन पार्टी और कुछ सहयोगी दल क्रिटिसाइज करते हैं इस एडवर्टीजमेंट को, सरकार अंडर प्रेशर में आके यूपीएससी को ये कहते हैं कि आप इस एडवर्टीजमेंट को रोल बैक कर ले, और यूपीएससी भी एग्जैक्टली वही करता है। अगर आप अलग अलग आर्टिकल्स को पढ़ के लैटरल एंट्री को समझना चाहेंगे तो ये हो सकता है कि आप इस प्रोसेस को सपोर्ट करें, या ये भी हो सकता है कि आप इस प्रोसेस को सपोर्ट ना करें, और ये बिल्कुल आपका व्यक्तिगत फैसला रहेगा। लेकिन इसी बीच जो मेरा व्यक्तिगत मानना है वो ये है, क्योंकि यूपीएससी ने 2024 के जो नोटिफिकेशन थे उसको वापस ले लिया लैटरल एंट्री के रिगार्डिंग, तो मुझे जो समझ में आता है उसके हिसाब से सरकार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था और सरकार को यह बोलना चाहिए था कि लैटरल एंट्री यूपीएससी में रखने के पीछे का उनका उपदेश क्या है और किस तरीके से सरकार को या देश को इस लैटरल एंट्री का जो प्रोसेस है उससे फायदा पहुंचेगा। लेकिन सरकार ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो जब सरकार की तरफ से प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहता है तो बहुत सारे र्यूमर्स को फैलने का एक जगह मिल जाता है, और साथ में उन र्यूमर्स को और भी बढ़ाने में जो ऑपोजिशन पार्टीज होते हैं उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और साथ में ऐसा देखने को हमें शायद ही कभी मिलता है कि अगर रूलिंग गवर्नमेंट कुछ करे और उसके ऊपर ऑपोजिशन सवाल ना उठाए। जब मैं ऑपोजिशन कह रहा हूं तो मैं किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी या उन सभी पार्टीज को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल सेंस में कह रहा हूं। जिस तरीके से आज के डेट में कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में है और ये लैटरल एंट्री को बीजेपी के द्वारा लाया गया, अगर ठीक कांग्रेस के जगह पे अगर ऑपोजिशन में बीजेपी भी होती तो बीजेपी भी कुछ इस तरीके से ही तांडव करती जिस तरीके से कांग्रेस कर रही थी लैटरल एंट्री को लेके। और उसके बाद साल 2024 में जिस तरीके से यूपीएससी के ऊपर एलिगेशन लगे, खास करके पूजा खेड़कर के मामले को लेके, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी इंफॉर्मेशन आए जहां पे कोटा का मिसयूज किया गया है, लेकिन इन सब के रिगार्डिंग किसी भी तरीके से यूपीएससी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। तो अगेन फिर बात वही घुमा के हो जाता है कि अगर सरकार प्रॉपर तरीके से ब्रीफ नहीं करती है, या किसी भी तरीके से अगर वो मीडिया को एड्रेस नहीं करते हैं, और साथ में जो र्यूमर्स है अगर उसको वो खत्म नहीं करते हैं, तो सरकार के हर जो एक्शन है उसके ऊपर सवाल उठाया जाएगा। और जहां तक बात किया जाए लैटरल एंट्री के बारे में, तो यहां पे भी अगर कोई ये कहता है कि अगर सरकार अपने ही लोगों को सिस्टम में लाना चाहती है तो ये जो विचार है इसको भी काफी बल मिलता है, क्योंकि जब आप रूलिंग गवर्नमेंट में होते हैं तो आपके ऊपर वैसे भी एलिगेशंस लगते ही रहते हैं, और साथ में अगर आप मीडिया से इंटरेक्ट करना ही बंद कर दो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही बंद कर दो तो जो शक होता है वो और भी गहराता जाता है। ये एग्जैक्टली वो एडवर्टीजमेंट था जिसको यूपीएससी ने रिलीज किया था, जहां पे यूपीएससी का ये कहना है कि वो ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल का पोस्ट का वो लैटरल एंट्री के थ्रू रिक्रूटमेंट करना चाहता है। और अगर आप इसी एडवर्टीजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यूपीएससी को चाहिए वो चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट स्टडीज, इकोनॉमिक्स, लिबरल आर्ट्स, और साथ में जो एक लमसम उनको एक्सपीरियंस चाहिए वो चाहिए 15 साल का एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्कड इन द फील्ड ऑफ न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो कहने का मतलब है कि ये सारे जो रिक्वायरमेंट यूपीएससी रख रहा है, एक तो जहां तक मैं अपने देश को समझ पाया हूं, यहां पे बीते कुछ सालों में जो सरकारी स्कूल और कॉलेजेस है उसका हाल बहुत ही बुरा हुआ है। ना प्रॉपर तरीके से फंड का एलोकेशन किया गया है, ना ही तो किसी तरीके से जो रेगुलर प्रोफेसर या लेक्चरर का रिक्रूटमेंट है वो हुआ है, और साथ में जो रिक्वायरमेंट यूपीएससी चाहता है इस रिक्वायरमेंट के जो कैंडिडेट्स हैं उनका मिलना ही अपने आप में काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके से एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। और शायद इसीलिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि दो चीज में सबसे अधिक देश को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक तो एग्रीकल्चर में और दूसरा एजुकेशन में। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो एक बेसिक आइडिया होता है या उसका जो एक रिक्वायरमेंट होता है वो यही होता है कि सरकार को बहुत सारे लोगों में से जो बेस्ट है वो उनको मिले। लेकिन जिस तरीके से यूपीएससी के द्वारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है या जो उनको उम्मीद है कैंडिडेट से, ये पढ़ के बहुत ही कम ऐसे चांसेस है कि इनके पास सफिशियंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आएंगे जो इनका रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। और जहां तक बात किया जाए यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में, तो अलग अलग डोमेन से लोग इस एग्जाम को देते हैं और एग्जाम क्लियर करते हैं, तो जब आपको पोस्टिंग वगैरह मिलता है तो हार्डली
किसी का प्रेफरेंसेस पूछा जाता है। कहने का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत सारे कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो जो सरकार को रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक लोगों का, वो स्पेसिफिक लोग हमारे पास उस वक्त भी होते हैं जब लोग एग्जाम क्लियर करके जब सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। लेकिन अफसोस की बात है वो ये है कि सरकार कभी किसी से जो उनका इंटरेस्ट है उसके बारे में वो जानना ही नहीं चाहती है, और सरकार ये कोशिश करते हैं कि वो ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पोस्ट लैटरल एंट्री के थ्रू वो रिक्रूटमेंट को करें। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनका मानना है कि जो लोग भी इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में प्लेस किया जाए, क्योंकि जो लोग इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं उनको बहुत कुछ प्रूफ करने की जरूरत होती नहीं है। अगर किसी भी तरीके से अगर हम उन सब रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम कंप्लीट तरीके से जो रिसोर्स है उसका वेस्ट कर रहे हैं। आज ऑपोजिशन पार्टीज या प्राइमरीली जो कांग्रेस पार्टी है वो जिस तरीके से लैटरल एंट्रीज को लेकर सवाल उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो लैटरल एंट्री का प्रोसेस या आइडिया है ये कोई एक नया आइडिया है। जब उनकी सरकार थी तब भी कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए लोगों को रिक्रूट किया जाता था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऑलमोस्ट जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टीज की जब सरकार होती है तो वो यही कोशिश करते हैं कि वो अपने लोगों को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में प्लेस करें, और उनके लिए जो मेरिटोक्रेसी होता है वो कहीं ना कहीं उससे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और ये बात सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टीज पे अप्लाई नहीं होती है। और उसके बाद जो यूपीएससी के द्वारा एडवर्टीजमेंट रिलीज किया गया है इसमें किसी भी तरीके से जो कोटा सिस्टम है उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि भारत में जो वोटिंग का एक प्रोसेस है वही कहीं ना कहीं कास्ट और रिलीजन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जो ऑपोजिशन पार्टीज वाले हैं वो बढ़ चढ़कर जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसको आगे रख रहे हैं और जो मेरिटोक्रेसी का प्रोसेस है उसको पीछे रख रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज का जो एजेंडा होता है वो यही होता है कि वो किसी भी तरीके से जो सरकार है उसके पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करें। और इसी बीच कुछ ऐसे भी पॉलिटिशियंस हैं जो जानबूझ के कास्ट को बीच में लाते हैं और उस पूरे प्रोसेस में वो अपने आप को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं जैसे कि वो जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनके लिए वो बहुत सोचते हैं। यहाँ पे पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस के पास एक बहुत ही अच्छा मौका था जहाँ पे वो यूपीएससी में लैटरल एंट्री को लेकर सरकार को डिबेट के लिए इन्वाइट करते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं और इस प्रोसेस के बारे में और भी उनसे इंक्वायरी करते हैं। आप इस प्रोसेस को सपोर्ट करते या नहीं करते ये बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट जो डिबेट था वो होना चाहिए था ताकि जो कास्ट पॉलिटिक्स है इससे दूर हटके हम कुछ मेरिट के ऊपर भी हम बात करते हैं। और समय दर समय एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बनता ही रहता है जहां पे सरकार ये एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से जो कमियां हैं उसको हटाया जाए और क्या नया ऐड किया जाए। तो इसी बीच हमें ये मालूम पड़ता है कि 2005 के आसपास जो यूपीए सरकार थी वो लैटरल एंट्री को प्रमोट करते हैं, तो कहने का मतलब है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज आज इसको अपोज कर रहे हैं वही किसी टाइम पे इसको सपोर्ट करते थे। अब ये पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाता है कि अगर यही ऑपोजिशन पार्टीज अगर किसी भी तरीके से अगर कल को लैटरल एंट्री को प्रमोट करेंगे किसी भी फॉर्म में, तो आज जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो कल को इसको अपोज करेंगे। इस बीच में जो नुकसान है वो नुकसान कहने की जरूरत नहीं कि देश को है। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।